हेलो, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टे क्लासी एन एस। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सा होम डेकोर DIY वॉल हैंगिंग लेके आई हूँ। तो बिना कुछ देरी के चलो हम फटाफट इस वीडियो स्टार्ट करते। तो ये होम डेकोर बनाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड चाहिए आपको। यहाँ पर आप चाहिए तो यहाँ पर नॉर्मली वाइट कलर के भी कार्डबोर्ड यहाँ पे ले सकते हो, या फिर जो भी आपके पास पेपर्स अवेलेबल है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर के बहुत टाइम से क्राफ्ट पेपर्स मेरे पास पड़ के थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे जो ड्राइंग पेपर आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बना के लिया है और अच्छे से हम इसको कट कर लेंगे। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बड़ा छोटा जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से, और जितना लेंथ में आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल 28 साइज़ के मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं, मतलब 28 पीसेस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अभी बारी आती है इसको अरेंज करने की। तो अरेंज करने के लिए हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वुलन, यहाँ पे मैंने यूज़ किया। आप चाहिए तो यहाँ पे वुलन या फिर जो कॉटन रोप आता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जूट रोप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वॉट एवर जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको अरेंज करना है। और यहाँ पे मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ किया है, और मैं यहाँ पे मास्किंग टेप से ही उसको स्टिक करूँगी अपने रोप पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टिक करना है। आप चाहिए तो यहाँ पे फेविकॉल का यूज़ कर सकते हो, सेलो टेप का यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे। सो एक रोप में मैंने यहाँ पे 7 ट्रायंगल्स यूज़ किए हैं, 7 ट्रायंगल्स मैंने यूज़ किए हैं। 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए आपको ये बनाना है। ठीक है, जैसे कि 7 जैसे ट्रायंगल मैंने यहाँ पे स्टिक किए, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ वुडन बीट्स है तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहे तो ऐसे ही आप इसको रख सकते हो, या फिर आपके पास अगर वुलन है तो वुलन के आप बॉल्स बना के यहाँ पे इसको स्टिक कर सकते हो, या फिर जो भी डेकोरेटिव आते हैं वो यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छा लुक देगा ये। तो यहाँ पे हमारा एक ऐसे बन के रेडी हो चुका है। ऐसे हम बाकी के 4 रोप बना लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा यहाँ पे छोटा सा DIY बन के रेडी हो चुका है। मैंने ये वॉल पे हैंग किया है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह पे मैंने दो दो करके हैंग किया है। सो आई होप ये छोटा सा क्यूट सा होम डेकोर आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो।